हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? देखिए, ठंड के वजह से मैं जम गई हूँ पूरा। अभी मैं पोखरा में हूँ और पोखरा दे हमरा कौन है भूले गए कल के ना रात 1 बजे हाँ, कल रात 1 बजे, मतलब हाँ कल रात 1 बजे यहाँ आके पहुँची बस में। फिर बस में बहुत सारा तबीयत खराब हो गया बहुत लोगों का, और फिर यहाँ पे आके पहुँची। फिर सुबह में निकली इतना खांसी भी हो रहा है ठंड की वजह से। फिर सुबह निकल के थोड़ा सा घूमी, घूमने के बाद फिर होटल रूम में आके लंच किया। ये देखिए, अभी होटल में रूम में हूँ। अभी थोड़ा सा इधर एक लेक है, लेक के उधर से आई घूम के और अभी बेड पे आ गई। और इतना ज़्यादा ठंड लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे उठ के जाके कैसे डिनर करूँगी पता नहीं। तो कल कल मॉर्निंग में हम लोग निकलेंगे काठमांडू के लिए। कल मॉर्निंग मतलब 5 बजे बोल रहे हैं ये लोग निकलने के लिए। पता नहीं इतना मॉर्निंग में कैसे रेडी होके निकलूँगी, कुछ पता नहीं चल रहा है। और बस में जाऊँगी पोखरा से काठमांडू, और वो लगेगा आपका 8-9 आवर्स तो लग जाएगा। तो इस वजह से थोड़ा सा टेंशन हो रहा है। रात में मेडिसिन खाना होगा, पता नहीं क्या होगा। आने के टाइम तो बहुत लोगों का तबीयत खराब हो गया था, मतलब जब से आई हूँ ट्रैवल ही कर रही हूँ बस में, इस तरह का हो गया है। और इस तरह के ट्रिप में मैं पहली बार आई हूँ। इसे मतलब ऐसा एक्सपीरियंस पहली बार हुआ है मुझे, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो यही सब हो रहा है। और बाहर अभी सब चाय पकौड़ा खा रहे हैं, तो हम लोग तो नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो हम लोगों का वेज पकौड़ा रूम में ही आ गया था। तो अभी पकौड़ा खा के ऐसे ही लेटी हूँ। तो अभी सोच रही हूँ डिनर करने जाऊँ। अच्छा नहीं लग रहा है कि डिनर करने जाऊँ, उठ के जाने में अच्छा नहीं लग रहा है। सोच रही हूँ कि डिनर नहीं करूँ। तो अगर मेडिसिन खाऊंगी तो डिनर तो करना होगा, नहीं तो ऐसे मेडिसिन नहीं ले सकती। तो देखती हूँ क्या होता है। और फिर काठमांडू जाने के बाद कुछ ट्राई करूँगी वीडियो बनाने की। पता नहीं कितना कुछ कर पाऊँगी, ठंड की वजह से ही तो मैं जम जा रही हूँ। वीडियो क्या बनाऊँगी। तो अभी पोखरा से हम लोग निकले हैं बस में काठमांडू के लिए। तो इधर रास्ते में हम लोग रुके लंच के लिए। तो इस तरह से देखिए कितना अच्छा नज़ारा है, और ठंड भी काफ़ी है।